वेलकम गाइस, साहिबा बाजार में आपका सब लोगों का स्वागत है। ये अपना जॉय का जो हमने डीलरशिप चालू किया है, इसका भी दूसरा बाइक है। देखिए एकदम पूरा मैट कलर में है बाइक का। नाम मैं दिखाता हूँ आपको क्या नाम है इसका। लुक एकदम बेहतरीन लुक है गाड़ी का एकदम बेहतरीन लुक है। देखो दिखने में एकदम मस्त है गाड़ी। ये गाड़ी का नाम है उल्फ इको। ये इको मॉडल है। मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था ग्लोब मॉडल का डाला था, वो लो स्पीड मॉडल था। ये इको स्पीड मॉडल है। अभी आपको मैं इको और लो स्पीड का भी डिफरेंट क्या है वो बताऊंगा आपको। पहले गाड़ी का आपको दिखा देता हूँ। मिरर भी देखो कितना मस्त लग रहा है इसमें। गाड़ी पे बहुत अच्छा दिखता है ये गाड़ी। पूरा मैट कलर में, मैट फिनिश कलर है एकदम। ये देखो मिरर देखो ना कितना मस्त दिया है मिरर। उसका शाइनिंग भी देखो मिरर का। दोनों साइड में मिरर दिया है। ये जो इसके अंदर इंडिकेटर दिया है वो भी मस्त है एकदम। ये दो इंडिकेटर है और लाइट भी आता है उसमें। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं चालू करके दिखाता हूँ ये गाड़ी। ये उल्फ मॉडल है, इको उल्फ। अभी चालू करने के बाद आप देखेंगे डिस्प्ले पे अपना बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है। इधर बैटरी का वोल्टेज 64.7 वोल्ट अपना बैटरी है। इसका किलोमीटर तो 0.0 है। ये जब आप ड्राइव करेंगे तो आपका स्पीड दिखाई देगा उधर। ये देखो मैंने गाड़ी चालू किया, उसका स्पीड दिख रहा है। और जो अपना नॉर्मल इंडिकेटर आता है ऊपर, सब इंडिकेटर दिया है, जो प्रॉब्लमेटिक इंडिकेटर आते हैं वो, जो एरर आता है वो। और इसका बटन के स्विच का पोजीशन देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में ये अपना रिवर्स फॉरवर्ड मोड आता है। मैं आपको लाइट चालू करके दिखाता हूँ ये देखो। और रिवर्स और ड्राइविंग मोड, जैसा रिवर्स करेंगे तो अपना गाड़ी एक्सेलरेटर देने के बाद रिवर्स चला जाएगा, रिवर्स ड्राइव करेगा। और ये डी करने के बाद ड्राइविंग मोड यानी फॉरवर्ड रहेगा आपका गाड़ी। इधर अपना गियर का स्पीड का पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन स्पीड में अपना गाड़ी भाग चलता है। इसका मैं आपको टॉप स्पीड दिखाता हूँ। अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अभी फर्स्ट गियर पे अपना 21 पे गाड़ी चल रहा है। अभी मैं इसको सेकंड करता हूँ, 30 पे चल रहा है गाड़ी। सेकंड करता हूँ, स्पीड बढ़ गया, 40 हो गया। और थर्ड करता हूँ और स्पीड बढ़ गया 50 के स्पीड से। अपना टॉप स्पीड यानी 50 से ही गाड़ी का, तो 45-50 के स्पीड से वो अपना गाड़ी भाग सकता है। ये रजिस्टर मॉडल आएगा, इसको RTO का पासिंग ज़रूरी है क्योंकि इको मॉडल है। इको मॉडल में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और मैं जो उस दिन दिखाया था लो स्पीड ग्लोब का, वो लो स्पीड में आपको आपका स्पीड टॉप स्पीड 30 ही रहेगा ज़्यादातर। उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको लाइसेंस, हेलमेट ये गाड़ी के साथ रखना है। मैं आपको अभी इसका दूसरा बटन दिखाता हूँ, लाइट दिखाता हूँ। ये लाइट चालू करने के बाद, लाइट चालू हुआ अपना, ये अपर डिपर लाइट भी अच्छा है। अभी ऐसा उजाला है इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन लाइट भी अच्छा है। उसके बाद में आपका ये इंडिकेटर आएगा, ये राइट इंडिकेटर। ये देखो मैं आपको इंडिकेटर बोल रहा था ना, ये देखो इंडिकेटर कैसा है इसमें दिया है। एक ही लाइट में इंडिकेटर भी है, पीछे का भी इंडिकेटर है। ये देखो दूसरा, जब आप इंडिकेटर ऑफ करेंगे तो ऊपर का लाइट देखो चालू रहेगा, नीचे का दो लाइट रहेगा, ऊपर का दो लाइट। रात को इसका लुक एकदम बहुत बेहतरीन दिखता है। ये गाड़ी में आगे पीछे दोनों भी डिस्क ब्रेक दिया है। ये देखो आगे का भी डिस्क है, डिस्क ब्रेक दिया है, और पीछे का भी डिस्क ब्रेक दिया है। ये देखो पीछे का भी डिस्क ब्रेक दिया है। और ये पीछे देखो दो लाइट दिया है, एक अपना टेल लाइट दिया है, दूसरा पार्किंग लाइट दिया है पीछे का, एक रिफ्लेक्टर दिया है इधर,
फिर गाड़ी की मैं जानकारी को टेक्निकली जानकारी भी देता हूँ। तो आप गाड़ी का लुक देखिए, मिरर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का लगा है, वो जॉय कंपनी का गाड़ी बोल रही है अपना तो है, मेरे हिसाब से तो मस्त गाड़ी है। तो दूसरा कौन सा फालतू कंपनी का गाड़ी लेंगे आप, तो उससे बेहतरीन ये। और इसका कीमत भी थोड़ा कम है मार्केट रेट से, अपना दूसरी गाड़ी के गाड़ी और इसका देखेंगे तो उसका इसका रेट थोड़ा कम है। और डिक्की खोलने के लिए भी आगे से ही है, शायद डिक्की खोल दिया मैंने, ये देखो डिक्की में देखेंगे आप तो आपको ये चार्जर देखो, चार्जर भी एकदम अच्छा दिया है, अच्छा क्वालिटी का दिया है चार्जर। इसमें 60 वोल्ट का चार्जर लगता है 6 एम्पियर का, ये देखो इसका बैटरी भी है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर रहता है बैटरी। बैटरी खोलने के लिए देखो एकदम सब सिस्टमेटिक बना के दिया है कंपनी ने, कुछ ऐसा झंझट वाला काम नहीं है, बोल्ट खोलो वगैरह ये वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, एक खाली इधर कॉर्ड लगाना है, ये सॉकेट लगाएंगे, बैटरी भी, बैटरी का पैकिंग भी अच्छा है। ये अपना 60 वोल्ट का बैटरी है, 60 वोल्ट 31 एम्पीयर बैटरी है, और ये लिथियम आयन का बैटरी है। इसका लोडिंग कैपेसिटी है गाड़ी का 150 किलो, लोडिंग कैपेसिटी 150 किलो तक आराम से काम करेगी गाड़ी, आराम से आप लेके जा सकते हैं। इसका आप रेंज देखेंगे तो एक फुल की चार्ज में आपका गाड़ी 90 किलोमीटर भागते है, ये 90 किलोमीटर जाता है गाड़ी, ये गाड़ी 90 किलोमीटर यानी 2 सीट लेके चला जाएगा कम से कम। ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत वो कैसा है रेंज का कैसा रहता है आप पे चलाने पे भी डिफरेंट रहता है, ऐसा नहीं कि मैंने 90 बोला तो 90 ही देगा। आप समझो इधर 3 स्पीड में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्पीड दिया है, आप सेकंड स्पीड में चला रहे हो गाड़ी तो आपको 90 तक आराम से रेंज देगा, लेकिन आप थर्ड स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो आपको थोड़ा यानी 75-80 तक आपका रेंज देगा आराम से गाड़ी। और आप फर्स्ट स्पीड में चलाएंगे तो 100 के आसपास भी जाएगा, 100-110 किलोमीटर भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, चलाने पे भी डिपेंड रहता है, आप जितना रफ चलाओगे जितना गाड़ी को खींचोगे उसका पावर उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप स्मूथली गाड़ी चलाएंगे तो आपका गाड़ी रेंज अच्छा देगा। इसको चार्जिंग करने के लिए कम से कम 4-5 घंटा लगेगा, जब भी आपका फुल ड्रेन रहेगा बैटरी तो समझो 25% रहेगा बैटरी, तो 25% है नहीं तो अपना समझो 30% है, तो कम से कम 3-4 घंटे में वो अपना फुल चार्ज हो जाएगा 3 घंटे में। तो इधर अपना USB चार्जिंग पॉइंट दिया है, आप इधर से मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपका एंटी थेफ्ट डिवाइस दिया है, यानी उसको रिमोट लॉक बोलते हैं, हुटर बोलते हैं, हुटर दिया है, जैसा आपने रिमोट देखेंगे आप गाड़ी का देखो, जैसा 4-व्हीलर का ही रिमोट रहता है वैसा ही सेम है। इधर अपने समझो आप इधर पार्किंग में गाड़ी लगाया है और आपको अपना गाड़ी नहीं मिल रहा है, समझो तो 2-4 गाड़ी एक ही कंपनी का है, ओल्ड पिको 2-3 मॉडल सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा और आपका गाड़ी आपको ढूंढना है, तो ये आप इधर से घंटी का जो बेल का है बटन दिखा रहे उसको दबाएंगे तो देखो आवाज़ करेगी गाड़ी, अपनी गाड़ी आवाज़ करेगी उस कंडीशन में। आप उसके नीचे का है अपना, आप बंद चालू करेंगे उसको 2 बार प्रेस करेंगे गाड़ी अपना चालू हो गई, देखो उधर गया भी नहीं, इधर से गाड़ी चालू किया, इधर से ही बंद करता हूँ मैं, लॉक करो अनलॉक करो कुछ भी करो, इधर से बंद किया गाड़ी, इधर से गाड़ी बंद करें, अभी इधर से मैं लॉक करता हूँ गाड़ी को, इधर अपना एक लॉक का साइन है देखो, ये जो बीच वाला बटन है वो लॉक है, जैसा मैं गाड़ी लॉक किया वो अपने गाड़ी को कोई छूता है कोई टच करता है कुछ भी करेगा कोई गाड़ी चलाएगा आवाज़ करना शुरू कर देगा। अरे समझो कभी कभी कैसा चोर गाड़ी चोरी करने के लिए आता है तो आप अपना गाड़ी लॉक करके रखेंगे तो गाड़ी आपका कोई चोर नहीं सकता, चोरी कर नहीं कर सकता। इसको आप समझो किधर उठा के मैं घुमा के लेके जाते हुए देखो उसका टायर लॉक हो गया, अभी उसका टायर नहीं घूमेगा, कितना भी घुमाओ नहीं घूमेगा, ये देखो वो पूरा टायर लॉक हो जाएगा। तो एक अपना ये फीचर मस्त है,
तो आपको कैसा ये फीचर से ज़्यादा इरिटेशन होता है तो आप उसको सेफ, आपका समझो आपका गाड़ी सेफ है तो आप उसको अनलॉक भी करके सक सकते हैं। ये आपका अनलॉक बटन किया, ये देखो ऊपर अनलॉक बटन है, ये बटन दबा दिया तो आप अभी आपका गाड़ी हिलेगा बने, कुछ भी करेंगे आप चलते रहेगा, टायर लॉक नहीं होगा, इसको फटका देंगे कुछ नहीं करेगा। खाली आपको जब भी लगे कि डाउट आएगा कि नहीं अपनी गाड़ी कोई चुरा सकता है, किसी की नज़र है, कुछ भी रहेगा, तो उस कंडीशन में आप लॉक करके रख सकते हैं। दूसरा इधर देखेंगे आप, बाकी हैंडल लॉक तो आपको मालूम ही रहेगा, सब अपना रेगुलर गाड़ी रहता है वैसा ही दबा के करेंगे, हैंडल लॉक हो जाएगा अपना। ये देखो अभी हैंडल लॉक नहीं हो, निकाल नहीं सकते, अभी आपका फ्री हो जाएगा, आगे करेंगे चालू हो गए। यही है सेम है, बाकी में ज़्यादा कुछ डिफरेंट वगैरह नहीं है, सब ने जो ओल्फ गाड़ी का मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है सब उसका ही सेम है, खाली थोड़ा सा बैटरी का और उसका रेंज का और वेटिंग कैपेसिटी का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है गाड़ी के हिसाब से। खाली ये रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, रजिस्टर गाड़ी है, आपको उसका पास नहीं, आपको नहीं हम करके देंगे, ऐसा नहीं कि आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा RTO में। इसके लिए आपको गाड़ी चलाते समय आपका लाइसेंस आपके पास रखना ज़रूरी है, लेकिन जो मैंने आपको कल ग्लोब के बारे में बताया था उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, वो साइकिल के वापस जैसा आप साइकिल चलाते हो वैसा ही उसको चलाने का है, खाली साइकिल को पैडल मारना पड़ता है, इसको पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मॉडल आए हैं, अभी जॉय कंपनी के सारे मॉडल आए हैं, एक एक मैं एक एक करके मैं सब आपको वीडियो डालता रहूँगा, आप देखते रहिए। आप इधर हमारा ये शोरूम, एक बार मैं शोरूम का भी वीडियो दिखाऊंगा हमारे शोरूम किधर है, लेकिन मुझे उधर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं एक गाड़ी मंगाता हूँ और उसका वीडियो शूट करता हूँ। तो हमारा शोरूम इधर एरोली में ही है, ये न्यू बॉम्बे में आता है एरोली। किसी को गाड़ी लेना है तो हमें कॉल किया तो भी चले, कॉल करके आएंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपने डायरेक्ट हमारे शॉप पर आएंगे तो भी चलेगा। हमारा शॉप इधर एरोली दीवा गाँव नियर धर्मा टावर इधर है, ईवी इलेक्ट्रिक जॉय, ईवी ईश्वरी मोटर जॉय इलेक्ट्रिक शोरूम हमारा सर्विस सेंटर का नाम है। ये अपना ही गाड़ी है सब, ये अपना सर्विस सेंटर का, ईवी ईश्वरी मोटर सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर के इधर हमारे इधर सब गाड़ी का काम होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का सब काम होता है, पेट्रोल गाड़ी का काम होता है, सब काम करते हैं, ये हमारा सर्विस सेंटर है। आपको गाड़ी लेना है तो फ़ोन करके आए, नहीं तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप। थैंक यू गाइस, आपने हमारा वीडियो देखा, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, हम नए नए वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, डालते रहेंगे। अभी अपना जो सबसे बेस्ट गाड़ी चल रहा है मियोस के बारे में भी हम जानकारी दे देंगे कुछ एक दो चार दिन में। थैंक यू गाइज़।